हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्प्लैनेट मार्केट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी न्यू मार्केट का दुर्गा पूजा का जो नज़ारा है वो किस तरह का दिखता है। तो अभी मैं बहुत ही सुबह सुबह गई थी, तो अभी तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है आपको वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे कुछ बैग्स, साड़ीज और खुद के लिए कुछ एक्सेसरीज लेना था, और उतना कुछ शॉपिंग करने का था नहीं, बस मुझे देखना था कि किस तरह का लोगों का दुर्गा पूजा का एक्साइटिंग है, कि किस तरह का वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बस ये सब देखने के लिए भी बहुत सारे लोग गए थे, तो मैं भी गई थी। और यहाँ पे जो बैग मिल रहा था वो 200 और 100 में ये बैग मिल रहा था। और पहले का जो न्यू मार्केट होता था ना, वो बहुत ही कम प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता, लेकिन अभी नहीं। अभी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी के टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा ही प्राइस बढ़ा के बोलते हैं। अगर आपको बार्गेन नहीं आता है तो आपको 100% लॉस ही होगा। और मुझे थोड़ी बहुत बार्गेन करना आता है, ज़्यादा नहीं आता। और यहाँ पे जो स्नीकर्स आप देख रहे हो, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए आपको जो स्नीकर्स दिखाई दे रही है या सैंडल्स दिखाई दे रही है, तो ये स्टार्टिंग है 250 से लेकर यहाँ पे 500 या 1000 तक शूज़ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज भी मिल रहा था जो कि मैं देख कर गई थी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ का प्राइस बहुत हाई है। विदाउट कोई ब्रांड के हैं 1000 के ऊपर कोई बैग खरीदना, देखिए मेरे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ब्रांड का नहीं है। और मैं जब भी बार्गेन कर रही थी ना, तब वो लोग बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि देखिए इसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये फिक्स रेट है। और यहाँ पे कुछ डॉल्स वगैरह मैं देख रही थी, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा डॉल्स मिल रहा था। ये भी बहुत ही हाई प्राइस में मिल रहा था, ये 400 बोल रहा था कि नॉर्मली ये सब 150-200 में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ बैग मिल रहा था, वो भी सस्ते में 100-150 में। सो जब भी मैंने एक बैग उठा के देखा, तो मुझे बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया, एकदम से लो क्वालिटी का बैग है। सो कुछ बैग अगर आपको पसंद आता है तो आपको अगर बार्गेन करके ही उसे खरीदना होगा, वरना आपको लॉस ही होगा। इस शॉप पे ना मुझे बोल रहा था कि बहुत सस्ते में पिगमेंटेशन आई शेडो आपको मिलेगा, आपको नेल पॉलिश मिलेगा, आई स्मैट। तो मैं इस शॉप पे गई जब, तब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बोल रहे थे, और इसमें सब नकली ब्रांड की चीज़ मिल रहा था, ऐसे कि मैक और हुडा ब्यूटी, ऐसा कुछ महंगा ब्रांड का जो टैग लगा के ये लोग बेच रहे थे। तो ये 100-200 का नेल पॉलिश बता रहा था, लेकिन मैंने 50 में 2-3 बोतल उठा लिया। और यहाँ पे आई शेडो वो लोग दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि 1000 का आई शेडो है, लेकिन ये सब मेड इन चाइना का है। और पिगमेंटेशन तो ठीक ठाक है, सो मुझे लगा कि मुझे एक लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड का है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो मैंने एक ले लिया, और फिर मैं बार्गेन करके बोली कि इसके हाफ प्राइस में अगर ये मिलता है तभी मैं लूँगी। तो वो लोग बोला कि नहीं होगा, लेकिन मैं जब वहाँ से निकल पड़ी तब वो लोग बोला हाँ हाँ आप ले लो, ये आ जाएगा आपके दाम। फिर मैं गई सिटी मार्ट पे जाकर देखा कि साड़ी कितने सारी मिल रहा था, लेकिन ये ना दुगने प्राइस में मिल रहा था। ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि दुगने प्राइस में मुझे ख़रीदने का कोई शौक़ नहीं है, और साड़ी के बारे में मुझे उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। फिर मैं गई लेडीज़ काउंटर पर, वहाँ पे देख रही थी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ जो मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि मुझे ख़रीदने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और आप काउंटर पे अगर देखोगे ना तो लंबी सी लाइन आपको दिखाई देगी। तो मुझे एक शरारा सूट मुझे पसंद आई, तो ये 1200 का था। और मैं देख रही थी कि ये बहुत ही उतना अच्छा फैब्रिक नहीं था,
तो बस मैं देख ही रही थी कि उतना अच्छा फैब्रिक नहीं था और ये भी बहुत ही सिंपल सा था, और सामने जो आपको दिखाई दे रहा लहंगा ये बहुत प्यारा था और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था। और यहाँ पे कुछ टॉप्स भी मिल रहे थे जो कि बहुत ही प्यारा है और मुझे तो सारे टॉप्स ही पसंद आ गया। और यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ ड्रेस और शर्ट और कुछ अच्छी अच्छी और बहुत कुछ यहाँ पे भी मिल रहा था। और फिर मैं जब बाहर आई तो नज़ारा कुछ इस तरह का था, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया। सो अब मुझे लगा कि मैं निकल आऊँ, तो फिर मुझे ये कप्तान टॉप दिख रहा था, ये ना 300 में मिल रहा था, बहुत ही कम प्राइस में, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 100 का शूज़ मिल रहा था और यहाँ पे भी बहुत प्यारा दुपट्टा मिल रहा था, जो कि मैंने 2 दुपट्टा यहाँ से ख़रीद लिया है। कटन वाला जो दुपट्टा होता है ना वो मैंने ले लिया था। और आगे भी बहुत सारे दुकान में आपको दुपट्टा मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में, 100 से स्टार्ट होता है यहाँ का दुपट्टा। और अभी मुझे लगा कि देखो बहुत ज़्यादा भीड़ तो हो गया, अब तो निकलना पड़ेगा। तो निकलने के टाइम पे देख रही थी कि बहुत सारे ड्रेसेस मिल रहे थे, प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 में मिल रहा था, जो कि मैं जब एंट्री कर रही थी तब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। मैं बाद में जाके देखा कि ये सब मिल रही है, मतलब धीरे धीरे स्टॉल बढ़ता गया और पीपल्स की भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो लास्ट में मैं एक शॉप में गई, वहाँ पे देख रही थी बहुत सारा गाउन कुर्ता अनारकली कुर्ता मिल रहा था, बहुत प्यारा, लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट था जो कि 650 में। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं देख रही थी कि चलो एक ले ही लेती हूँ, इतना दूर तक आई हूँ तो एक लेना तो बनता है। तो मैं देख रही थी, तो यहाँ पे देख रही थी कि क्या साइज़ का जो इशू होता है ना, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता। अगर ये लोग बोलते हैं कि आपके साइज़ का है, इससे आपको एक साइज़ ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये लोग गलत बोलते हैं। कि यहाँ से जब भी मैंने कुछ ख़रीदा है तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि एक साइज़ ना मुझे बहुत कम होता है, मतलब मेरे फिटिंग से भी बहुत टाइट आता है। तो मैंने उन लोगों को जब कहा कि ये बोल रहा था कि हाँ आपको फिटिंग्स आ जाएगा, लेकिन जब मैंने ये खरीद के घर पे ले आई तब देखा कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था। और यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत मुझे पसंद आया है। एक बात तो सच्ची में बोलना पड़ेगा कि मेरी कैमरामैन जो है वो बहुत ही बेकार सा कैमरा शूट करता है, सो इसके लिए सॉरी। अगली बार मैं आप लोगों को अच्छी वाली ब्लॉग जो है न्यू मार्केट के आप लोगों को शायद शेयर करूँगी। और यहाँ पे ही मुझे लगता है कि न्यू मार्केट का जो ब्लॉग है वो ख़त्म करनी चाहिए। तो मैं जब बाहर निकल रही थी तो ये सब शॉप दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे जो फ्रॉक और ड्रेस मिल रहा था ना ये 500, और यहाँ जो दुपट्टा है वो 150 से स्टार्टिंग से मिल रहा था। विशाल भाड़ी चलो।